नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य टीम का छापा, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर मिले लापता। डॉक्टर रहते हैं लखनऊ में, अपनी डिग्री लगाए हैं बांदा में, हो सकता है और भी जनपदों में लगाए हो कई ब्रांच। जाँच के दिए आदेश। यूपी के बांदा में दोपहर प्रशासन और मेडिकल की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की, जिससे अस्पताल संचालक और उनकी टीम में हड़कंप मच गया। संयुक्त टीम को जांच में अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर लापता मिले, जिस पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिस हिसाब से छापा पड़ा है, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अनाधिकृत रूप से लड़की या लड़के का लिंग बताया जाता है। यहाँ पर लिंग का अल्ट्रासाउंड होता रहा है। काफ़ी मात्राएं में महिलाएं ही बैठी थी अल्ट्रासाउंड के लिए, उनकी उम्र भी युवा है। आपको बताते चलें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी बाबा बर्फानी डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट और मेडिकल की टीम ने अचानक छापेमारी की। उस दौरान प्रशासन की टीमों ने मेडिकल संबंधी अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। अचानक अल्ट्रासाउंड कक्ष में जाते ही डॉक्टर लापता मिले। बताते हैं डॉक्टर साहब लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं। उस दौरान डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी ने बताया कि किसी ने शिकायत की होगी, उसी के आधार पर छापा पड़ा है। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर लंच पर गए हैं। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले में जांच करते हुए साथ में डिप्टी सीएम ओ कौशिक जी ने उनके कई प्रपत्रों को कब्जे में लिया। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंद भी किया जा सकता है और FIR करके जेल भी भेजा जा सकता है। संरक्षक ने बताया कि उनका आई विजन कुछ प्रॉब्लम हो गया है। बांदा से ब्यूरो चीफ पूरन राय की।